मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माई क्लास। टूडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द हाउ टू क्रिएट अ हेल्दी एंड सेफ इन्वायरमेंट फॉर बेबी। ठीक है, यूनिट ऑफ फोर्थ सब्जेक्ट है होलिस्टिक डिवेलपमेंट एंड हाइजीन। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ब्रिंगिंग अ चाइल्ड इन टू योर लाइफ इज अ वंडरफुल एंड ट्रूली यूनिक एक्सपीरियंस। ठीक है, बच्चे का क्या है, पेरेंट्स की लाइफ में वंडरफुल एंड यूनिक एक्सपीरियंस होता है। हाउएवर देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस। ठीक है, बच्चा जब पेरेंट्स की ज़िंदगी में आता है तो उसकी पेरेंट्स की ज़िंदगी में लॉट्स ऑफ चेंजेस हो जाती हैं। ठीक है, एंड दैट यू शुड मेक इन योर होम टू मेक इट कम्प्लीटली सेफ फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, फिर पेरेंट्स की जिम्मेवारी बन जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो बच्चे को क्या है, सब कुछ क्लीन एंड सेफ प्रोवाइड करें। ठीक है, वी एज ग्रोन अप नो हाउ टू नेविगेट थ्रू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर होम विदाउट एनी प्रॉब्लम, बट देयर आर मैनी थिंग्स दैट कैन पोज अ डेंजर फॉर योर चाइल्ड। ठीक है, घर में क्या है, हम तो कोशिश करते हैं क्लीन एंड सेफ सब कुछ मिले, पर फिर भी घर में काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चे के लिए डेंजर होती हैं। ठीक है, वो हम पॉइंट्स करेंगे आज। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू टेक सम नेसेसरी स्टेप्स टू मेक योर होम इंजरी प्रूफ। ठीक है, तो इसके क्या है, हम मेन मैं आपको बताऊँगी कहाँ कहाँ से बच्चे को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, कैसे हम बच्चों को उनसे दूर रखेंगे। रिड्यूस द चांस ऑफ फॉलिंग। ठीक है, बच्चे के गिरने के चांस, ठीक है, कम कैसे करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फॉल आर द मोस्ट यूजली कॉज ऑफ मेजोरिटी। ठीक है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ये मेजोरिटी है, मतलब मेजोरिटी फॉल है, जो बच्चा क्या है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा गिर जाता है, कि फिर खेलते टाइम, सोते टाइम वो गिर जाता है, बैठ से जो कुछ भी ऐसे है, चलते टाइम, एंड दिस इज़ द वाई यू शुड टेक वेरियस स्टेप्स टू मेक श्योर। ठीक है, बच्चा कहाँ कहाँ से गिर सकता है, फर्स्ट ऑफ इसमें काफ़ी स्टेप्स आएंगे, स्टेयर्स, जो सीढ़ियों से गिर जाना, वन ऑफ द यूजुअल प्लेसेस वेयर अ चाइल्ड कुड फॉल एंड बिकम सीरियसली इंजर्ड। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, ऐसी जगह है जहाँ से बच्चा का गिर के उसको सीरियस इंजर हो सकता है। दिस इज़ अ वाई इंस्टेंटली सेफ्ट गार्ड ऑन द स्टेयर्स एंट्रेंस गुड वे ऑफ प्रिवेंटिंग फ्रॉम द हैपनिंग। इसलिए बच्चे को क्या है, स्टेयर्स पे सेफ्टी प्रोवाइड करनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे आपकी स्टेयर जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे आप एक डोर लगवा सकते हो, जाके वो बंद रहे, बच्चा उस पर लॉक होना चाहिए, बच्चे मतलब क्या है, स्टेयर्स पे चढ़ के गिरे ना। बालकोनी इज द नो प्लेस फॉर एनी अनसुपरवाइज चाइल्ड, इज नेसेसरी टू इंस्टॉल अ सेफ्टी गार्ड एट द एग्जिट टुवर्ड द बालकनी टू प्रिवेंट एनी फॉल। इसलिए बच्चे को क्या है, मतलब वहाँ पे भी सेफ्टी होनी चाहिए बच्चे की बालकनीज में, कि बच्चा क्या है वहाँ पे गिरे ना। ठीक है, विंडोज, नॉट मैनी पीपल रियलाइज दैट अ चाइल्ड कैन ईजिली फॉल थ्रू अ विंडो। कई विंडोज जो क्या है वो थोड़ी जैसे नीचे करके घर में लगे होते, तो वहाँ अगर वो खुली रहेंगी तो बच्चा वहाँ से भी गिर सकता है। तो बच्चे को क्या है, वो विंडोज जो है हमेशा क्लोज रखनी चाहिए, ताकि बच्चा क्या है उससे फॉल ना हो, उसको कोई इंजरी ना हो। ठीक है, द बेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रिवेंटिंग दिस फ्रॉम हैपनिंग इज बाय इंस्टॉलिंग विंडो गार्ड्स, स्पेशली इंस्टॉलिंग दैम ऑन द अपर स्टोरी विंडो। ठीक है, वही बताएगा अपर स्टोरी विंडो के विंडोज को थोड़ा ऊपर लगाना चाहिए ज़्यादा। ठीक है, वहाँ तक क्या है, बड़ों के हाथ पहुँच सके, बच्चों का नहीं। लाइट्स क्या होगी, चिल्ड्रन रेगुलर वेक अप ड्यूरिंग द नाइट टू गो टू द बाथरूम, सो लीविंग लाइट्स ऑन इन द हॉलवे इन द ग्रेट ऑफ टू प्रिवेंट ट्रिपिंग इन द डार्क। अब ये है लाइट्स, जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो अगर वॉशरूम जाना चाहता है रात को, तो अगर लाइट्स बंद रहेंगी तो इसके कारण भी वो गिर सकता है। तो लाइट्स क्या है, कुछ लाइटली जो लाइट्स होती है रात को वो थोड़ी जगा के रखनी चाहिए। ठीक है, जैसे बच्चा सो भी सके और बच्चे को वॉशरूम जाने में कोई प्रॉब्लम भी ना हो। फ्लोर टाइप, इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोर। ठीक है, कई जो फ्लोर्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्लिपरी होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी बच्चों को गिरने का डर रहता है, तो फ्लोर्स जो है, देर आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोर विच आर हेल्थी फॉर चिल्ड्रन एंड आर लेस स्लिपरी एंड देन ट्रेडिशनल वन, जो मतलब कि मतलब फ्लोर वगैरह है वो ज़्यादा स्लिपरी ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंटिंग बर्न स्कार्डलिंग फ्रॉम अकरिंग। कैसे बच्चे को प्रिवेंट करना है बर्न वगैरह से, दे आर न्यूमेरस थिंग इन साइड अ हाउस होल्ड विच कैन कोज बर्न, सच एज द स्टोव, हॉट वाटर, हॉट बेवरेज, ओवन, माइक्रोवेव एंड हीटर्स। ठीक है, बच्चे को क्या है, घर में हमारे क्या है, हीटर वगैरह होते हैं। ठीक है, हॉट बेवरेज होते हैं, ओवन, माइक्रोवेव हो गया, हीटर हो गया, उससे बच्चों को क्या है, मतलब बर्न हो सकता है। द ओनली वे टू प्रिवेंट दिस फ्रॉम हैपनिंग टू कीप योर चाइल्ड अवे। ठीक है, बच्चों को क्या है, इन चीज़ों से दूर रखना चाहिए बच्चों को, ये चीज़ें हमें बच्चों से थोड़ी हाइड करके रखनी चाहिए। ठीक है, एंड व्हेन इट्स कम टू द हॉट वाटर, इफ यू नेट टू सेट द वाटर हीटर टेम्परेचर राइट, सो दैट द वाटर डज नॉट एक्सीड 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो वाटर हीटर है उनका जो टेम्परेचर है थोड़ा सेट करके रखना चाहिए, ताकि बच्चे को क्या बर्निंग ना हो। इम्प्रूव फायर सेफ्टी। ठीक है, दे आर मैनी थिंग्स दैट कैन कोज अ फायर विद द होम एंड अ बेस्ट प्रिवेंटिंग मेजर दैट यू शुड टेक इट्स इम्प्लीमेंट स्मोक डिटेक्टर इनसाइड योर होम। ठीक है, इम्प्रूव फायर सेफ्टी, मतलब कि स्मोकर ज़्यादा घर में नहीं होनी चाहिए।
ठीक है. पीपल यूजली इंस्टॉल अ सिंगल स्मोक डिटेक्टर ऑन ईच फ्लोर ऑफ द होम व्हिच इज अ लीगल ऑब्लिगेशन इन सम कंट्री इवन दैट इज विल रिजल्ट इन द बिट ऑफ द हाई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इज अ मच बेटर ओपिनियन टू हैव दिस डिवाइस इज मैनी इन साइड योर होम. मतलब इसमें यह बताया गया है कि जो स्मोकर है वो नहीं घर पर होने चाहिए, ठीक है. ऑन द अदर हैंड मेक श्योर दैट यू हैव अ फायर एग्जॉस्टर इट इज़ अ ईजली एक्सेसिबल इन एमरजेंसी सिचुएशन. के घर पे भी क्या है फायर एग्जॉस्टर होने चाहिए जिससे हम अगर कोई घर पे फायर हो जाए कुछ मतलब कि आग वगैरह लग जाए तो हम उसको ईजिली क्या स्टॉप कर सकें. मेक श्योर दैट यू रेगुलर टेस्ट योर स्मोक डिटेक्टर्स एंड दैट यू चेंज योर बैटरीज वंस पर ईयर, ठीक है. बिकम रिस्क फ्री इट कम टू पॉइजनिंग, ठीक है. अब चिल्ड्रन अंडर 5 आर स्पेशली रिस्क ऑफ एक्सीडेंटली इंजेस्टिंग पॉइजन, ठीक है. बच्चे जो 5 साल से नीचे होते हैं वो क्या है अगर घर पे जैसे कोई रैट वाली कोई मेडिसिन पड़ी है उसको मारने वाली या फिर हम जो मॉस्किटो वाली है कुछ ऐसी चीज़ पड़ी है तो वो बच्चे से दूर रखनी चाहिए क्योंकि बच्चे को नहीं पता होता कि वो क्या है. वो उसको खाने की पीने की कोशिश कर सकते हैं तो वो उसके क्या अंदर पॉइजन जा सकता है. दिस इज़ अ एवेंट चिल्ड्रन लव टू एक्सप्लोर एवरी थिंग, ठीक है. बच्चा क्या है एवरी मतलब कि घर पे हर चारों ओर घूमता फिरता है 5 साल की उम्र में, ठीक है. तो उसको चीज़ें जो है अवेयर रखनी चाहिए, ठीक है. दे आर नुमेरिस केमिकल, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, ठीक है, जो बच्चे को हार्म पहुँचा सकते हैं, ठीक है. अब क्या है दे आर सम ऑफ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम कीप ऑल पॉइजन लिक्विड सच एज क्लीनिंग केमिकल अवे फ्रॉम एनी स्पेस दैट इज एक्सेसिबल टू चिल्ड्रन. अब इसमें ये बताया गया कि जो ऐसी पॉइजनस वाली चीज़ें हैं वो बच्चे से दूर ही रखनी चाहिए. कीप ऑल पॉइजनस लिक्विड सच एज क्लीनिंग केमिकल्स, ठीक है. जो पॉइजनस लिक्विड हैं या फिर क्लीनिंग केमिकल है जो घर पे साफ सफाई वाले केमिकल होते हैं उनको अवे रखना चाहिए बच्चों से. स्टोर ऑल द दिस लिक्विड हाई कप बोर्ड्स, ठीक है. इनको क्या है मतलब जो हाई कप बोर्ड्स हैं मतलब किसी बॉक्स वगैरह में डाल के रखना चाहिए ताकि बच्चों को पता ना लगे, ठीक है. लॉक करके रखना चाहिए. इंस्टॉल चाइल्ड सेफ्टी लैचेस दिस इज अ ग्रेट गैजेट दैट कैन हेल्प इन द केस दैट यू डू नॉट हैव कप बोर्ड विद आर अ हाई एंड अनरीचेबल, ठीक है. चाइल्ड सेफ्टी लैजेस होते हैं, ठीक है. उनको इंस्टॉल कर सकते हो आप देख सकते हो, ठीक है. उनसे क्या बच्चों को अवेयर रखना चाहिए सब चीज़ों से. विच मेक ऑफ द कपबोर्ड डोर्स प्रैक्टिकल लॉक, ठीक है. जो कपबोर्ड डोर्स हैं उनको क्या है मतलब बच्चों मतलब लॉक लगा के रखना चाहिए जहाँ पे आप अंदर मतलब सामान रखा हुआ है, ठीक है. ताकि बच्चे लॉक ना खोल सके पुल ना कर सके, ठीक है. अब उसको वाटर सेफ्टी कैसे बच्चे करने दिस इज़ समथिंग दैट डिपेंड कम्प्लीटली ऑन यू इफ़ योर बेबी हैज़ अ पूल नेवर. अगर आपके घर पे कोई पूल वगैरह स्विमिंग पूल वगैरह है तो उससे बच्चों को क्या है वहाँ पर अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, साथ में रखना चाहिए. यू कैन ऑलवेज इंस्टॉल अ फेंस अराउंड द पूल, ठीक है. मतलब कि अराउंड पूल के अराउंड क्या है फेंस वगैरह होना चाहिए, मतलब कि कोई ऐसे बनेरा जिसको पंजाबी में बोलते हैं वो कुछ ऐसे ऊँचाई पर बनना चाहिए ताकि बच्चे अंदर ना जा सकें, ठीक है. ऑन द अदर हैंड सम सेम गोज वर्ड्स कम टू बाथ नो वाटर हाउस वेलो द वाटर इन द बाथ शेलो द वाटर इन द बाथ नेवर लीव अ चाइल्ड अनअटेंडेड. बच्चे को वहाँ पर अनअटेंडेड नहीं छोड़ना चाहिए ना ही बच्चे को. नो शुड बी लीव हिम हू हैव विद एन ओल्डर सिबलिंग, ना ही मतलब अगर आपके घर का कोई ओल्डर सिबलिंग है उसके साथ मतलब कि नहीं छोड़ना चाहिए कि कई बार मतलब क्या है ओल्डर सिबलिंग के ऐसे इतने एक्टिव नहीं होते वो बच्चों को संभाल नहीं पाते. ऑलवेज बी प्रेजेंट, आपको मदर या डैड को वहाँ पर साथ में होना चाहिए, ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी से बच्चे को कैसे बताना है बचाना है. ड्यूरिंग द ग्रोइंग अप पीरियड चिल्ड्रन आर वेरी एक्सप्लोरेटिव दिस इज द वे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कीप इलेक्ट्रिक बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी से क्या है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अवेयर रखे वहाँ से. इसके सेफ्टी स्विचेस जो स्विच वगैरह है वो थोड़े ऊंचाई पर लगने चाहिए. उनके इर्द गिर्द सराउंडिंग में कोई भी ऐसे वायर वगैरह है वो विदाउट कवरिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है. और स्विचेस वगैरह है वो हमेशा बंद रखने चाहिए, ठीक है. दिस डोर्स भी इफ़ यू डू नॉट हैव अ सेफ्टी स्विचेस इन योर होम्स इलेक्ट्रिक सिस्टम इमीडिएटली कॉल अ प्रोफेशनल इलेक्ट्रिशियन एंड हैव देम इंस्टॉल, ठीक है. जो सेफ्टी स्विच लगवाने चाहिए घर पे अगर नहीं लगे हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को बुलवा के लगवा लेनी चाहिए. दिस डिवाइस विल टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन योर होम इफ काइंड ऑफ इरेगुलर एक्टिविटी, ठीक है. इससे क्या है अगर आपके घर में मतलब इरेगुलरली एक्टिविटी है इलेक्ट्रिसिटी का आप उसको बंद कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से बच्चों को भी बचा सकते हैं. कॉर्ड्स कीप एवरी सिंगल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्ड इन न्यू कंडीशन एज ए आइसोलेट द इलेक्ट्रिसिटी इफ़ यू नीड टू रिप्लेस दैम इनवाइट इलेक्ट्रिशियन. मतलब कि अगर जो वो वायर्स वगैरह हैं वो अच्छे से कवरिंग नहीं है, ठीक है, तो उसको आप इलेक्ट्रिशियन को बुला दो उसको कवर करवा के अच्छे से सेफ्टी लगवा सकते. सॉकेट्स क्या हो गया द मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रोडक्शन इंजरी अक्कर वैन अ चाइल्ड इंसर्ट समथिंग डैट कंडक्ट इलेक्ट्रिक इन द सॉकेट टू प्रिवेंट फ्रॉम द हैपनिंग, ठीक है. कई बार बच्चे के हैं जो सॉकेट होते हैं जहाँ पे हम चार्ज वगैरह लगाते हैं वहाँ पे बच्चे का कुछ डाल देते हैं,
ठीक है, उस होल में, तो इससे भी कि इलेक्ट्रिसिटी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़े ऊंची ऊंचाई पर लगवाने चाहिए। ठीक है, मेक श्योर दैट यू कैन द कवर फॉर ऑल सॉकेट, या फिर कवर सॉकेट को कवर करके रखना चाहिए, जब का आपको जरूरत हो तब उसको आप अनकवर करके उसको यूज़ कर सकते हो। फिर कीपिंग योर होम्स ऑफ अ चाइल्ड इज टास्क रिक्वायर्ड सिंगल टाइम एंड फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बट इज सर्व टू प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, मतलब कि क्या है, घर पर बच्चों की सेफ्टी के लिए हमें थोड़ी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए ताकि बच्चों को सेफ रखा जा सके। ठीक है, कीप इन माइंड दैट द मेजोरिटी ऑफ दिस प्रॉब्लम अकर व्हेन चिल्ड्रन अनअटेंडेड, ठीक है, बच्चों को अगर ये प्रॉब्लम तभी होगी तब हम उसको क्या है अनअटेंडेड करेंगे, बच्चे के पास नहीं रहेंगे। ठीक है, बच्चे को क्या है पूरी सिक्योरिटी देनी चाहिए, टेक ओनली अ मैटर ऑफ सेकंड और बैड थिंग्स टू हैपन एंड नो मैटर हाउ सेफ यू होम एक्सीडेंट कैन स्टिल अकर। ठीक है, बच्चे को क्या अनअटेंडेड नहीं करना चाहिए हमेशा, ठीक है, बच्चे के साथ रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि कभी भी किसी भी टाइम बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बच्चे की पूरी कवर मतलब केयरिंग करनी चाहिए। ये थी इमरजेंसी जब बच्चे को कोई आ जाए, ठीक है, ये वाली इमरजेंसी, इससे बच्चे को क्या है कीप अवे रखना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।